अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। कल हमने जेंडर रोल्स पे बात की थी, बहुत ही अहम मौजू है जिसको हम लेके चल रहे हैं। और जहाँ पर हमने बात छोड़ी थी वहाँ पर ये बात की थी कि अल्लाह ताला ने दोनों सिन्फों को उनकी शख्सियत और नेचर के लिहाज से रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हैं और दोनों को वो रोल दे दिए हैं जो उनको ज़्यादा सूट करते हैं। दोनों लोग मिलके जब ये घर बनाते हैं तो ये घर सिर्फ दो लोगों तक नहीं रहता, इस घर से बहुत सारे और लोग भी जुड़े होते हैं और उन लोगों का भी इस घर के ऊपर रोल और इस घर का उन लोगों की शख्सियतों पे रोल होता है। आज हम ये बात करेंगे कि किस तरह एक इस्लामी घर ख़ानदान माशरे में किरदार अदा करता है। ख़ानदान की मजबूती माशरे की मजबूती है। इस ख़ानदान से सबसे पहले जो चीज़ जन्म लेती है वो है वो बच्चे, जो कि उम्मत मुस्लिमा का मुस्तकबिल हैं। लिहाजा इन दोनों वालदेन की ज़िम्मेदारी ये होती है कि वो दोनों की किफ़ालत, तरबियत, तालीम, इज़्ज़त, मोहब्बत, एक ऐसी इस्लामी तरबियत के माशरे में जाके वो प्रैक्टिकल मुस्लिम्स हों कि हम वो मिसालें ना देखें जो हम आजकल देखते हैं। ये सारी ज़िम्मेदारी माँ बाप की है और ये इंतहाई अहम ज़िम्मेदारी है। इसी वजह से यहाँ पे आके औरत का मर्तबा बढ़ा दिया जाता है। अल्लाह ताला इसको बैलेंस इस तरह करते हैं कि जब घर कायम होता है तो मर्द को कहा गया कि एक दर्जा ज़्यादा क्योंकि वो खर्च करते हैं, औरत माँ बनती है तो बाप से ज़्यादा क्योंकि उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ज़्यादा अहमियत की लायक है। उसके बाद दोनों एक घर में एक माहौल बनाते हैं, खुशगवार माहौल में औलाद परवरिश पाती है और इस घर से और बहुत सारे घर भी जुड़े हुए हैं। इस्लाम जितने मामलात रखता है वो एहसान की बुनियाद पर रखता है। वो तलकीन करता है कि रहम के रिश्तेदारों को उनका हक दो, ख्वाह वो मर्द के रिश्तेदार हों ख्वाह वो औरत के रिश्तेदार हों। रहम के रिश्तों के साथ ताल्लुकात रखना, उनकी तरफ से आने वाली किसी नागवार चीज़ पर सब्र कर लेना, उनको उनके हक से ज्यादा दे देना और अपने हक पे कम पे राजी हो जाना, उनके साथ मिलना, उनको तहाइफ देना, उनको अपने घर बुलाना, उनके घर जाना और फिर वो तमाम रिश्ते जो इन दो लोगों से जुड़े हुए हैं उनका हक अदा करना ऐन इस्लाम के मुताबिक है। इसके साथ साथ इस घर को और इस माशरे को प्रोटेक्ट करने के लिए और इसका बैलेंस मेंटेन करने के लिए वो छोटे छोटे अहकाम आते हैं जो प्रैक्टिकल लाइफ से मुतालिक हैं। मिसाल के तौर पे अगर एक मर्द माशरे के अंदर जाता है तो वो अहकाम नाजिल किए जाते हैं जिसमें वो अपनी बीवी के अलावा किसी और की तरफ अट्रैक्ट ना हो। लिहाजा पर्दे और इख्तलात के अहकाम आते हैं और दोनों सिन्फों को कह दिया जाता है कि अपनी निगाहें नीचे रखें। इसके साथ साथ अगर कोई ऐसी कंडीशन हो जाए कि निकाह अपने मकासद पूरे ना कर रहा हो तो उस सूरत में इजाज़त के तौर पे रगबत नहीं, इजाज़त के तौर पे यह कह दिया गया कि अगर तुम निकाह करना चाहते ही हो, शर्त क्या है कि इंसाफ के साथ, तो तुम चार से निकाह कर सकते हो, लेकिन इसके अलावा किसी चीज़ की इजाज़त नहीं है क्योंकि निकाह करने की सूरत में तो तुम रिस्पॉन्सिबल हो, तुम्हें वो सारे फ़राइज़ अदा करने हैं जिसका जिक्र हमने पहले किया था और ये आसानी तुम्हारे लिए नहीं है कि तुम कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी ना लो, तुम अल्लाह के सामने अपने आप को जवाबदेह भी ना समझो, तुम वो सारा सोशल कॉन्ट्रैक्ट भी ना करो और तुम ताल्लुकात कायम करो, ऐसी कोई इजाज़त इस्लाम में नहीं है। फिर इसके साथ साथ औरत को एक ऑब्जेक्ट बनने से बचाने के लिए औरत की चाल ढाल, अंदाज़ गुफ्तगू, इन सब के लिए छोटी छोटी हिदायत दे दी गई। इसके साथ साथ विरासत का हिस्सा जो औरत को मिलता ही नहीं था, इस्लाम था जिसने कहा कि औरतों का विरासत में हक है, सूरह निसा की आयत नंबर 7 के मुताबिक। फिर आगे जाके आयत नंबर 11 में ये फरमा दिया, अलबत्ता मर्द का हिस्सा दुगना है लेकिन कुछ सूरतों में औरतों का हिस्सा ज्यादा है। अब जहां पर दुगना है, हमें अपनी पिछली ऑडियो याद है जिसमें हमने ये बात की थी कि मर्द की रिस्पॉन्सिबिलिटी फाइनेंस है, तो अगर जो हक मर्द के पास जाएगा वो पलट के भी औरत ही के पास आएगा, उसका एक पोर्शन औरत के पास आएगा, लेकिन जो औरत के पास जाएगा वो मर्द के पास नहीं जाएगा। इस तरह अल्लाह ताला ने इसमें भी अदल कायम किया। औरत की गवाही के मामले में बेशतर मकामात पर और बिलखसूस ख़वातीन से मुतालिक मामलात पर एक औरत की गवाही भी कबूल की जाती है। अलबत्ता फाइनेंशियल मामलात में इस बात को रिकमेंड किया गया है कि चूंकि ख़वातीन में भूलने की आदत ज़्यादा होती है तो बेहतर है कि एक और याद दिला दे। अलबत्ता बहुत सारे मकामात पे अकेली औरत की गवाही कबूल की गई। जितनी हदीसों का एक खजाना हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मिला है उसमें कोई और गवाही नहीं है।
छोटे छोटे इकदामात के साथ मजीद कुछ चीज़ों की वजाहत की गई जिसमें मर्द और औरत एक दूसरे की मुमासलत ना करें, एक दूसरे के साथ किसी मुकाबले पे ना आए, एक दूसरे की नफ़ी ना करें, बल्कि अल्लाह से मोहब्बत, तकवा और एहसान की बुनियाद पर वो घर और माशरा कायम करें, अपनी प्रायोरिटीज़ याद रखें और इसके साथ साथ माशरे में अपना पॉजिटिव रोल अदा करें। माशरे में जो किरदार कर सकते हों अपनी ज़ात से, अपने इल्म से, जो खैर उनके अंदर मौजूद हो, जो पॉजिटिविटी माशरे में फैला सकते हो, घर को साथ लेके चलें, ख़ानदान को साथ लेके चलें और अपने माशरे में पॉजिटिव हिस्सा डालें, क्योंकि हम, हमारा घर, हमारा ख़ानदान और हमारा माशरा सब हमारे लिए बहुत अहम है। अगली गुफ्तगू कल करेंगे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।